इस वीडियो में हम सोलर इंडस्ट्री के स्टॉक को वीकली चार्ट और डेली चार्ट पर शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करेंगे। ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए ये आपको वीडियो के लास्ट में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म एनालिसिस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले वीकली चार्ट मैंने लगाया है। वीकली चार्ट पर देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन को यह ब्रेक करता है तब बेयरिश होगा, अदरवाइज ये स्टॉक अभी भी बुलिश है वीकली चार्ट पर। थोड़ा सा ये यहाँ पर करेक्शन पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी जो रिसेंट स्विंग है वो डाउन ट्रेंड का है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्विंग है वो स्टॉक्स का अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर जो डाउन स्विंग है इसका अभी रिसेंट स्विंग, ये भी बुलिश हो जाएगा जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही स्टॉक पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट, ये आपका टारगेट लेके चलना है जो कि है 3150 रुपये का, 3150 के टारगेट के लिए आप बाय करेंगे जब यहाँ पर ब्रेकआउट होगा। अब हम इसको डेली चार्ट पर देख लेते हैं। अब देखिए डेली चार्ट पे भी स्टॉक्स इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होता है एक सॉलिड बुलिश कैंडल के साथ, यहाँ ब्रेक होना चाहिए और यहाँ पर वॉल्यूम सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ये काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आप यहाँ पर बाय करेंगे और ये आपका टारगेट होगा जो कि 3150 का, 3200 का। और यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस रखना है जस्ट इसके नीचे रखना है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि आपका हो जाएगा 26 रुपये का। तो यहाँ पर ब्रेकआउट पर आप बाय करेंगे मात्र 150 पॉइंट 200 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट उसके कंपेरिजन में काफ़ी बेहतरीन है। 1:2 से भी ज़्यादा का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड आपका होगा। तो काफ़ी ये बेहतरीन स्टॉक से, साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आप कंपनी के बिजनेस को जा करके आप screener.in पर देख सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आप यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। बस आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं कि यहां पर ब्रेकआउट पर आप एंट्री लेंगे तो ज़्यादा बेटर आपको प्राइस मिलेगा, और अगर यहाँ से इस रेसिस्टेंस को ये ब्रेक कर देता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना काफ़ी जरूरी होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से ये ट्रेंड लाइन जो है इसको सपोर्ट दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छा खासा डाउनवर्ड मोमेंटम मिलेगा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो, क्योंकि यहाँ पर एक देखेंगे तो यहाँ पर ये एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जो कि दोनों साइड कंटिन्यू हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन होता है इस साइड कंटिन्यू होगा, और अगर यहाँ पर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर हम इसको बाय करेंगे। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो हम इसको सेल करेंगे। अगर ब्रेक डाउन होता है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है, तब यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा 2830 रुपये के ऊपर। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए, डाउन साइड और अपसाइड दोनों के लिए स्टॉक्स हैं। अब देखिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक को आपको इंट्राडे में क्यों नहीं ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आएगा। जो स्टॉक्स अच्छे लिक्विड होते हैं जिसमें प्राइस एक्शन मूवमेंट जो काफ़ी स्मूथ होता है उसे हम ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। साथ ही साथ यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा वीक्स बनता है इस स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक को हम इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करते हैं। ज़्यादा बेटर होगा आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स जो है उसको सेलेक्ट करें, इंट्राडे के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। अगर आपका मन है इसके बावजूद कि हम इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने 15 मिनट के चार्ट पर इंट्राडे के लिए एनालिसिस इसमें नहीं किया। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के कोई भी कमेंट आपका भी है, कोई सवाल आपका है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।